हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मेडी न्यूज। तो गाइस, आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करेंगे मार्वल डीसी हॉलीवुड के अपडेट के बारे में, जिसमें कि काफी सारे अपडेट तो हॉलीवुड के भी हैं, बट काफी अपडेट मार्वल के भी हैं। तो इम्पोर्टेंट एवेंजर एंड गेम भी है। तो सबसे पहला अपडेट है एक्वामैन 2 से रिलेटिव। तो एक्वामैन 1 में जो विलेन थे पैट्रिक, जो कि एक्वामैन के भाई थे, वो इस मूवी में दोबारा से कन्फर्म हो चुके हैं और वो फिर से एक विलेन का रोल प्ले करेंगे एक्वामैन के बाद। अब मूवी आती है वंडर वुमन 2। तो वंडर वुमन 2 में कंफर्म हो चुकी है कि ये मूवी एक प्रिक्वल होगी, यानी कि उससे पहले की स्टोरी, पर इसमें आगे की भी सीन होंगे फ्यूचर के। देन उसके बाद स्टैनली का कंफर्म अपडेट हो चुका है कि वो फार फ्रॉम होम में एक छोटे से कैमियो में होंगे, जो कि केविन फेगी ने खुद कंफर्म करा है। उसके बाद अगला बड़ा अपडेट है फॉक्स और डिज्नी की जो डील हो रही है वो 3 घंटे के बाद फिनिश हो जाएगी। जी हाँ, यानी कि आज के दिन ये डील खत्म हो जाएगी और हमें फ्यूचर में फॉक्स और डिज्नी एक साथ कोलैब करते नजर आएंगे कैरेक्टर को लेके। देन उसके बाद नोवा हार्वे ने फाइनली कंफर्म कर दिया केविन फाइगी के साथ डील होने के बाद कि वो जल्दी से जल्दी डॉक्टर डूम पर ऑफिशियली एक सोलो मूवी पे काम करने वाले हैं। देन अगला अपडेट है डीसी की अपकमिंग मूवी वर्ड्स ऑफ पेरी। तो हार्ली क्विन काफी फेमस कैरेक्टर है, इनकी अपकमिंग मूवी वर्ड्स ऑफ पेरी वो रैप हो जाएगी अप्रैल के महीने में। जब ये मूवी शूटिंग खत्म हो जाएगी तो एडिटिंग में फाइनली ऑफिशियल काम चालू हो जाएगा। फैंटास्टिक फोर के जो डायरेक्टर है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जता रहे हैं गेम्बिट की मूवी के लिए। उनका मान है कि वो इस मूवी को डायरेक्ट करें, पर पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं होगा, ये उन्हें मूवी नहीं मिलेगी, क्योंकि फैंटास्टिक फोर मूवी काफ़ी ज़्यादा बर्बाद और क्या कहूँ मैं, बोलने के लिए वर्ड ही नहीं है। देन उसके बाद अगला अपडेट है डीसी का। तो वार्नर वॉर्स की अपकमिंग मूवी बैटमैन ये ऑफिशियली 90s की हो सकती है। मैं कोई कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, बट ये मूवी पहले की होगी, ना कि जस्टिस लीग के टाइम की। नेटफ्लिक्स की टॉप मूवी वर्ड्स बॉक्स काफ़ी अच्छी मूवी है, इसका सेकंड पार्ट लास्ट ईयर तक हमें देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद अगला अपडेट है क्रिस हेम्सवर्थ से रिलेटिव। तो ये कंफर्म हुआ है कि क्रिस हेम्सवर्थ की ये एवेंजर एंड गेम लास्ट मूवी हो सकती है। मैं कोई ऑफिशियल कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, ये आगे फ्यूचर में भी आ सकती है। देन उसके बाद शांग-ची मूवी फाइनली सीक्रेट काम चल रहा है मार्वल स्टूडियो में, ऐसा रिवील नहीं हुआ है, कोई ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ है, पर पता चला है कि शांग-ची पे काम चालू हो चुका है मार्वल स्टूडियो पे, जैसा कि ब्लैक विडो के साथ हो रहा है। एक एनिमेशन टीवी सीरीज है एवेंजर एंड गेम की रिलेटिव, जो कि ट्रेलर से बिल्कुल मैच खाती है। तो आप 100% टीवी सीरीज को देखिए, जिसमें कि वो क्वांटम सूट पहनकर सारे एवेंजर्स स्पेस में जाते हैं। पेटन रीड जो कि एंटमैन के डायरेक्टर है, उन्होंने ये स्टाइल से वेलकम बैक करा जेम्स गन का और एक पिक भी डाली ट्विटर अकाउंट पर ऑफिशियली, और जेम्स गन इससे काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुए। उसके बाद एम्पायर मैगजीन ने थैनोस का एक आर्ट लॉन्च करा, जो कि काफ़ी कमाल का और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, जिसमें सनसेट में नोटिस करने वाली बात यह थी कि वहाँ से क्लाउड धुआं निकल रहा है। तो बताया जा रहा है कि वहाँ से एवेंजर्स आ रहे हैं, उनका प्लेन क्रैश हुआ टाइटन प्लेनेट पर। उसके बाद टॉय स्टोरी की अपकमिंग मूवी में और भी कैरेक्टर इंक्लूडिंग करेगा यहाँ, जैसा कि आप कौन सा पार्ट देख रहे हो। देन अगला अपडेट है काफ़ी कमाल का कैप्टन मार्वल मूवी से रिलेटिव। तो फाइनली एक ऐसा कौन सा पार्ट था जिसमें कैप्टन मार्वल को एक ऐसा सूट दिया जाना था, पर ये रिजेक्ट कर दिया गया और देन मूवी में नहीं दिखाया गया, काफ़ी कमाल का है। उसके बाद जेके रोलिंग ने कंफर्म कर दिया कि ग्रिंडलवॉल्ड और डंबलडोर में एक सेक्स रिलेशनशिप था, जो कि मूवी में नहीं दिखाया गया, पर आज उन्होंने वो चीज़ रिवील कर दी। उसके बाद काफ़ी कमाल का अपडेट है डिटेक्टिव पिकाचू से। तो फाइनली इन्होंने अपना खुद का यूनिवर्स चालू कर दिया है और डिटेक्टिव पिकाचू की जितनी भी मूवीज आएंगी वो सब लीड करेगा हमारा पिकाचू, ये छोटा सा। देन उसके बाद फ्लैश की ऑफिशियली स्क्रिप्ट पे काम चालू हो चुका है और इस मूवी को इतना ज़्यादा डिले कर रहा है तो मेरा इंटरेस्ट खत्म हो रहा है धीरे धीरे, मैं चाहता हूँ जल्दी से ये मूवी बने। अब देखते हैं कि कब ये मूवी रिलीज होगी। उसके बाद शांग-ची की कॉमिक बुक के कुंफू मार्शल, तो उसके ऊपर ये मूवी बन सकती है और कुंफू मार्शल ज़्यादातर बेस्ड है हांगकॉन्ग पे, जितना भी तरीके से टेक्निक से जो काम लिया जाता है, जो लड़ाई फाइटिंग होती है। देन उसके बाद सज़ैम का हिंदी ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखो। और देन उसके डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि वो उसके सेकंड पार्ट को भी डायरेक्ट करेंगे, यानी कि सज़ैम 2 को। देन उसके बाद हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर की अपकमिंग मूवी एवेंजर एंड गेम के बाद शेरलॉक होम्स 3, ये काफ़ी कमाल की मूवी है और 2019 में दिसंबर के महीने से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एवेंजर एंड गेम में थैनोस दोबारा से स्नैप करेगा ऑफिशियली, सेकंड टाइम ये कंफर्म हो चुका है, पहले भी कंफर्म हुआ था पर अब दोबारा से अपडेट आया है तो मैंने सोचा कि बता दूं आपको। उसके बाद जोकर के विलेन फिनिक्स वो कंफर्म हो चुके हैं कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में विलेन बनेंगे। अब देखते हैं कि कब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है, पर जो अपडेट आया है मैंने आपको बता दिया पहले ही। देन उसके बाद फ्लोरेंस ये फाइनली कंफर्म हो चुकी है ब्लैक विडो मूवी में। देन ये एक्टर काफ़ी अच्छी हैं और एक स्पाई का रोल प्ले करने वाली हैं। उसके बाद अगला अपडेट काफ़ी कमाल का हैरी पॉटर लवर्स के लिए। तो फाइनली वोल्डेमॉर्ट जो कि काफ़ी कमाल का विलेन है, वो दोबारा से कंफर्म हो चुका है फैंटास्टिक बीस्ट 3 में। जी हाँ, ये कैरेक्टर हमें दोबारा से देखने को मिलेगा, मज़ा आने वाला है अब तो।
देन उसके बाद एम्पायर मैगजीन ने एक कवर पेज लॉन्च करा था थैनोस का फुली आर्मर का, जो कि फुल एचडी और काफी कमाल का है, और इस आर्मर में उसका इन्फिनिटी गॉड लिंक चेंज कर दिया गया है, अगर आपने नोटिस करा हो। देन उसके बाद सबसे बड़ा अपडेट, एम्पायर मैगजीन ने एक पोस्टर एक और लॉन्च करा था जिसमें कि उन्होंने एवेंजर्स को यूज करा, पर आपने नोटिस करा होगा कि सबों को पुराने कॉस्ट्यूम यूज करे गए, ना कि नया। ऐसा क्यों मुझे अभी तक कोई पता नहीं चला ऑफिशियल अपडेट से। देन उसके बाद थैनोस का एक आर्ट लॉन्च हुआ है जिसमें कि उसकी तलवार, उसका सूट, उसका इन्फिनिटी गॉडलेन, सब कुछ एवरीथिंग चेंजेस है। अब इतने सारे चेंजेस क्यों करे गए हैं थैनोस में, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं पता। अब अगला दो प्लॉट काफी कमाल के एवेंजर एंड गेम से रिलेटेड, ये थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है इसलिए वीडियो से बने रहें। तो फाइनली आप सब जानते हो कि एंटमैन में क्या हुआ, हमारा स्क्वाड लैंग को किडनैप कर लिया गया था, किडनैप कह रहा हूँ सॉरी, होम अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके पैर में एक डिवाइस बांध दी थी। आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा उस डिवाइस को पहनने के बाद कोई भी पर्सन घर से बाहर नहीं जा सकता है, आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी। ऐसी ही डिवाइस एवेंजर एंड गेम के ट्रेलर में देखी गई है, वो भी हॉकाई के पैर में। अब ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ, अब ये तो मुझे पता नहीं है, आपके मन में जरूर सवाल आ रहा होगा, पर ये डिवाइस हॉकाई के पैर में बंद रही है और वो अपने बच्चों के साथ अपने घर में है, वो कहीं पर भी बाहर नहीं जा सकता है, काफी काफी कमाल का है। देन अगला प्लॉट है सेकंड, जो कि इसी से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि मैंने आपको पहले बताया था कि सारे एवेंजर्स स्पेस में जाएंगे टाइटन प्लैनेट पर लड़ते हुए, बट इससे रिलेटिव काफी कमाल का अपडेट आया है। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि इस सीन में हॉकाई और ब्लैक विडो एक साथ खड़े हुए हैं, पर ये जो स्पेसशिप है वो एक्चुअल में गार्डियन की स्पेसशिप है। आप पीछे सीढ़ियों पे नोटिस करिए, वो बिल्कुल सेम मैच खा रही है और बैकग्राउंड बिल्कुल सेम मैच खा रहा है, तो वो गार्डियन की शिप में कर क्या रहे हैं, तो 100% वो दोबारा से टाइटन प्लैनेट पे जा रहे हैं, मेरा जो मानना है, क्योंकि गार्डियन की जो शिप है वो नेबुला चला लेती है अच्छी तरीके से, उसी से लौट के टोनी रिटर्न हुआ है और देन फिर से दोबारा से ये प्रिपेयर होकर उस शिप को सही करके और शायद कैप्टन मार्वल की मदद से वो दोबारा से टाइटन प्लैनेट पे जाएं। और अगला अपडेट है काफी कमाल का, जैसा कि आप पोल पे देख रहे होंगे पी हेड्रेसन, ये बंदा है कौन जिसे स्कॉट लैंग उस पोल पर देख रहा है, आपके मन में सवाल आया होगा क्योंकि ये पोस्टर लग रहा है। तो पी हेड्रेसन एक्चुअल में एक बंदा है जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सारी मूवीज को बनाने में मदद करता है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की आधे से ज्यादा जितनी भी मूवीज होती हैं वो अटलांटा और जॉर्जिया में शूट होती हैं। तो जैसा कि आप बिहाइंड द सीन इमेजेस देख रहे हो, ये सारी वो सेट फुटेज है जहाँ पर जॉर्जिया में और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज बनती हैं, जिसमें कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर एंड गेम और एवेंजर के साथ कैप्टन मार्वल भी मूवी शूट हुई है। और साथ ही साथ केविन फाइगी और रूसो ब्रदर ने एक छोटा सा कह सकते हो आप शॉर्ट आउट दिया है, तो पीटर हेंडरसन इस मूवी और इस सेट फुटेज के वो थे एक तरीके से कह सकते हो ओनर, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इन लोगों की मदद करते थे। कभी भी जॉर्जिया में जब कोई भी शूट होता था तो पीटर एंडरसन इनकी मदद करते थे। और देन जैसा कि आप देख रहे हो, जो कि आप जिसे एवेंजर हेडक्वार्टर कहते हो, वो एक्चुअल में एक ड्राइविंग प्लॉट है, यानी कि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं और देन इसे एवेंजर हेडक्वार्टर दिखाया जाता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। और देन सबसे बड़ी बात कि पीटर एंडरसन को इस तरीके से शॉर्ट आउट दिया, तो काफी लोगों के मन में ये क्वेश्चन आया कि एक्चुअल में स्कॉट लैंग यानी कि एंटमैन उस पोल पर उस बंदे को क्यों देख रहा है और पीटर एंडरसन है क्यों। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये अपडेट भी दूं, पीटर एंडरसन एक्चुअल में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मदद करता है जब भी जॉर्जिया या अटलांटा में शूटिंग होती है, दैट्स व्हाई। और देन कैप्टन मार्वल जो लास्ट मूवी थी शूट करी हुई, वो पीटर एंडरसन ने उसमें काफी ज्यादा मदद करी थी। तो ये एक शॉर्ट आउट था ट्रेलर में, पीटर एंडरसन को मार्वल ने एक तरीका सोचा कि शॉर्ट आउट कैसे दिया जाए। तो कैसा लगा अपडेट, अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें, रियली में आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो, जो बंदे इस वीडियो को लाइक देखो या दोस्त पे स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना, बाय बाय जा रहा हूं।